हेलो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। और देखिए, यहाँ हमारे यहाँ कितना ठंडा पड़ रहा है, देख रहे हो? एकदम बिल्कुल जैसे लग रहा बर्फ गिरा हुआ है। इस तरह से चादरों की तरह कुहेसा से ढक गया है हमारे गांव, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा ही ठंडा है। जैसे लग रहा है ना, आप 10-20 मिनट खड़े हो जाओ तो पूरा जम जाओगे आप छत में। देखिए, आप लोग के यहाँ कैसा ठंडा पड़ रहा है। ये बिहार का ये सीन है, हम बिहार से हैं। और देखिए, यहाँ का ठंड आप महसूस कर सकते हो कितना ज़्यादा है। हाड़ कपा देने वाला ठंडा। और चलिए, हम चलते हैं। हम सोचे कि दिखा देते हैं थोड़ा सा कुहेसा वैसा, चलते नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर नहा वहा करके आ गए हैं और पूजा कर ले रहे हैं, क्योंकि कभी करो या ना करो 1 जनवरी के दिन कर लेना चाहिए, भगवान को पूजा कर लेना चाहिए, एक धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें इतने दिनों तक अच्छे से स्वस्थ रखते हुए आए हैं और 2023 में भी लाए हैं हम लोगों को अच्छे से खुशी खुशी और स्वस्थ। उनको धन्यवाद देते हैं भगवान, आगे की भी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे से कट जाए हमारा। 2023 में दर्शन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं? और यहाँ घर में भी पूजा कर लेते हैं मूर्तियों के सामने। ठंडा बहुत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और नए साल आ गया है 2023, तो आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारा शुभकामनाएं आप लोग को, पूरा साल बहुत ही अच्छे से कटे। तो चलिए लगा लेते हैं ये वेसलिन, क्योंकि नहाए हैं तो थोड़ा सा स्किन टाइट सा फील हो रहा है, तो इसलिए लगा रहे हैं। और हाँ, मेरा मोबाइल नया आ गया है, तो ये वाला वीडियो में क्वालिटी आप लोग देखिएगा कितना अच्छा आ रहा है ना। उस मोबाइल में एकदम बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिख रहा था जब भी वीडियो बनाते थे, ये वाला भी अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो लगा लेते हैं ये वाला, थोड़ा सा टाइट टाइट सा फील हो रहा था, ये थोड़ा सा मुलायम हो जाएंगे स्किन। तो आज आप लोग घर में क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं? ठंडा है बाबा, ये देखो कितनी कुहेसा गिरी हुई है। अभी भी 10 बज गए हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा कुहेसा है, बहुत ठंडा लग रहा है। देखिए ऊपर, चलते हैं खाना बना लेते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। पहले तो साफ स्वेटर पहनेंगे, बहुत ठंडा लग रहा है रे बाबा। अरे मैं हेलो, ठंडा लग रहा है ना? हाँ ठंडा लग रहा है, कुहेसा बहुत गिरा हुआ है और इनको छुट्टी मिल गया है, इसलिए घर पे आ गए हैं। और चलते हैं हम लोग खाना बनाने, है कि नहीं? और वीडियो हम लोग क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि मोबाइल हमारा ख़राब हो गया था 10-15 दिनों से, 20 दिनों हो गया शायद। तो अभी हमारा मोबाइल आया है, तो हम सोचे कि चलो आज न्यू ईयर पर ही अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबको शुभकामनाएं दे दो, हैप्पी न्यू ईयर आपको, आप लोगों का पूरे साल खुशी खुशी ही क्या है बीते, कभी भूल जाते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो जी, तो चलिए खाना बना लेते हैं। देखिए आटा ले लिए हैं और इसमें नमक दे रहे हैं, थोड़ा सा मंगरेल डाल देंगे काला वाला, और इसको अच्छे से मतलब क्या कर लेंगे, डो लगा लेंगे। ठीक, डो लगाने के बाद बहुत ही अच्छा सा एक इसका मैं पूरी बनाऊंगी, देखते रहिएगा आगे। कुछ खास नहीं था, बस यूं ही, बस मेरा मन किया कि मतलब ऐसे ही बनाया जाए, क्या ही बनाया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं पनीर मंगाई हूँ, बस पनीर देखिए आ जाएगा समय पर, तो हम पनीर भी बना लेंगे, नहीं तो आलू गोभी का सब भी बना ही रहे हैं। यहाँ पर मसाला भून भी रहे हैं, क्योंकि 11 बज गया है, बहुत लेट हो गया है, पनीर आया भी नहीं है। तो हम आज इसी का सब्जी बनाने वाले हैं। और ये देखिए, हम आटा को गूंद रहे हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा मतलब माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे मैं गदा होता है ना छेमी, हरा मटर, उसको मैं थोड़ा सा उबाल ली हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए।
और इसको मैं एक छोटी से ओखल में मैं कूट लूँगी। इसे जब उबल जाता है तो बहुत ही नरम हो जाता है, ऐसे ओखल में इसे आप दबा दोगे ना तो ये पिचक जाता है। बहुत ही अच्छा सा इसका फिलिंग्स यानी स्टफिंग तैयार हो जाएगा। अब देखते रहिए कैसे बना रहे हैं। ये चिपक भी जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना, पानी वानी कुछ है नहीं तो बहुत स्टिकी सा है, तो इसी में चिपक जा रहा है मेरा हैंडल उसमें। अभी देखिए इसको हम इस तरह से पिचका पिचका के इसको चूरमा बना दिए हैं, इसका नक्शा भी गाड़ दिए हैं, मतलब इसको एक स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इसमें धनिया लिए हैं हरी वाली और हरे पत्ते वाली लहसुन लिए हैं, मिर्च लिए हैं, थोड़ा सा दो चुटकी के अराउंड में नमक ली हूँ। इसको अच्छे से खूब कूट लूँगी, इसका भी कचुम्बर निकाल दूँगी, ठीक है ना। इसको देखिए कचुम्बर निकाल दी मैं, इसका नक्शा भी गाड़ दी मैं। इसके बाद उसमें मिलाऊँगी, देखिए इस तरह से दरदरा मैं कूट ली हूँ। और इसके बाद अब इसके बाद नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दो पिंच डाले हुए थे, अब इसके वो वाला नमक के अंदाजे से इसमें अब नमक डालेंगे, क्योंकि चटनी में भी था। तो इस तरह से नमक और ये कूटा हुआ लहसुन धनिया मिर्च इसमें सबको मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से, कि सारे जगह पहुंच जाए। इस तरह से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम आटा गूंथ लिए हैं। देखिए सामान बहुत इधर उधर पड़ा हुआ है, तो खाना बनाते समय तो लोटा बर्तन चिमटा ये सब फलाना ढिमका तो सब पड़े ही रहता है, तो ठंडा भी लग रहा है, क्या क्या करें तो माइंड मत करिएगा। अब इसमें देखिए स्टफिंग जो तैयार किए हैं, इसके बाद इसमें हम जैसे हम कोई चीज़ दाल पूरन वाला पूरी भरते हैं या सत्तू वाला सत्तू भरते हैं ना, उसी तरह से भर लेंगे। इसके बाद छोटी छोटी लोइयां को तैयार कर लेंगे, मतलब स्टफिंग कर लेंगे उसको, और धीरे धीरे दबाते हुए इसको अच्छे से बेल देंगे बिना प्रेशर का, बहुत ही कम प्रेशर देना है। देखिए इस तरह से गोल गोल पूड़ियाँ बना लेंगे हम। इसका आपने ऐसे बनाए हैं नहीं बनाए हैं तो हम बता रहे हैं, ऐसे बनाओगे ना तो बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनता है, मटर का पूड़ी मतलब स्वाद में तो भरपूर है। आप खाओगी, आपके बच्चे भी खाएंगे। अगर नहीं खाते हैं ना पूड़ी पराठा, मतलब कोई बच्चा नहीं खाता है, सबको पसंद है ऐसे, पर कोई कोई बच्चा होता है कि नहीं खाता, सादा पूड़ी नहीं खाता। तो इस तरह से स्टफिंग करके बनाओगे तो बहुत ही मस्त लगने वाला है इसका टेस्ट। देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, ठंडा लग रहा है, ठंडा। देखिए स्वेटर और साल ऐसे लगा करके यहाँ पे खाना बना देंगे, दिखा दिखा। ये देखिए, और देखिए आप तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें पूड़ियाँ डाल दे रही हूँ, और लाल लाल करारी करारी पूड़ियाँ हम निकालेंगे। और आप ऐसे भी खा सकते हो, कुछ नहीं ना, सब्जी चटनी या कुछ मीठा कुछ नहीं हो ना, खीर वीर, तो बस ऐसे ही आप उठाओ हाथ में और खा लो। इसमें नमक दिए हैं ना, आटा में भी नमक दिए हैं और स्टफिंग में भी नमक दिए हैं, तो मतलब इतना ये स्वादिष्ट लगता है कि मतलब आपको कुछ नहीं चाहिए फिर भी आप खा लोगे, दो चार तो खा ही जाओगे। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर से बना रहे हैं हम, और नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। ये देखिए लाल लाल बिल्कुल करारी करारी पूड़ियाँ। आज मैंने सोचा कि 1 जनवरी में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में बस यही आया। मैं ये वीडियो मतलब ये बनाने का तरीका मैं कहीं से देखी नहीं हूँ, सच बोलूँ तो कहीं से भी नहीं देखी हूँ। ये मेरे माइंड में एक बार आया कि इस तरह से। देखिए आलू गोभी का सब्जी बन गया है, तो उसमें धनिया को गार्निश कर रहे हैं। एक बार माइंड में आया ना कि मैं क्या बनाऊँ, तो बस सोची कि चलो ऐसे ही बनाया जाए। इसको थोड़ा सा उबाल लेते हैं क्रश करके, इसमें नमक धनिया मिर्च से डाल करके बना लेती हूँ। अभी मैं बीच में बनाते बनाते मेरे बेटे को भूख लग गया, कह रहे थे ना कि 11 बज गया,
तो वही भूख लग गया, 11 बज गया तो भूख तो लगेगा ही। तो देखिए यहाँ पर दे रहे हैं सब्जी, 2 पूड़ियाँ, और यहाँ पर मैं दे दूँगी मूली का अचार और धनिया का चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनकर तैयार हो गया है हमारे यहाँ, एकदम शाकाहारी शुद्ध भोजन। तो कौन कौन से, मतलब हमारे सब्सक्राइबर में कौन कौन से शाकाहारी यानी नॉन वेज, क्या कहते हैं भाई, नॉन वेज खाए, नॉन वेज या वेज, इसमें हमको बहुत कंफ्यूज हो जाता है किसको क्या कहें। मतलब शाकाहारी खाना किसके घर में बना था, हमारे घर में तो यही बना था और कुछ नहीं। हमारे पनीर तो आ गया है पर पनीर हम बना नहीं पाए क्योंकि इतना हम खाना बना ही लिए थे, तो सोचे कि चलो हम शाम को बनाएंगे पनीर, तो नहीं बना पाए। हम लोग आलू गोभी की सब्ज़ी ही बनाए थे और मीठे में कुछ नहीं बनाए क्योंकि पूरी ही हमारे घर में नमक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खा भी लेते हैं अच्छे से। अब मीठा मीठा बनाओगे तो फिर खाते ही नहीं हैं, तो इसलिए हम नहीं बनाए मीठा में कुछ भी। ये देखिए हम खा रहे हैं अभी, ये तोड़ोगे ना तो एकदम बिल्कुल अंदर से ना हरा हरा दिखेगा, एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए हम खा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।